तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने कार्टून वीडियोस बनाने के लिए कार्टून कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने दूसरी एप्लीकेशनों से उसी के ही कैरेक्टर बनाकर वीडियोस बनाई हुई, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना खुद का कैरेक्टर हो या फिर किसी और का भी कैरेक्टर या फिर जैसा चाहो वैसा कार्टून वीडियो के लिए आप कैरेक्टर बना सकते हो, भी अपने मोबाइल में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान उसे बनाना और उस कैरेक्टर से आप बुलवा सकते हो, चला फिरा सकते हो, जैसा चाहो वैसा एनिमेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, कैसे उसे यूज करना है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक ये भी बताऊंगा कैसे आप उसके अंदर कार्टून के जो है कैरेक्टर्स बना सकते हैं और कैरेक्टर बनाने के बाद आप वीडियोस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या, वीडियो को बस लाइक कर देना है और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड देर न करते हुए चलिए, तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का नाम है ड्राइंग कार्टून टूल। जी फ्रेंड्स, इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका एपीके वगैरह गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहीं से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के अंदर फ्रेंड्स आप जो है अपने कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यू कार्टून लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सब है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेक, मतलब कि ये अभी यहाँ पर है तो ये सब है आपको। और यहाँ पर देखिए लोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोडेड हैं, ये सब आपको दिखाई देगा बनाया हुआ। यहाँ पर वॉच है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये सब इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेक पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू कार्टून का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इंसर्ट, एडिट यूनिट, ये सब है, एडिट फ्रेम है, ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, क्रिएट आइटम्स कर सकते हैं, जो भी आपको क्रिएट वगैरह करना वो कर सकते हैं, एडिट सीन्स कर सकते हैं, इसके अंदर एड ऑडियो कर सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं, कैमरा व्यू वगैरह सब कुछ फ्रेंड्स आप इसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसके अंदर पहले से बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स वो सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे एक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप काऊ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काऊ किस तरीके से, मतलब फ्रेंड्स ये एक इमेज होती है, इमेज को बनाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके बोन्स यानी कि जो हड्डी वगैरह होती है ना फ्रेंड्स वो सब यहाँ पर देखिए लगे हुए। आप इसका मुंह इधर करवा सकते हैं, पैर ऐसे कर सकते हैं, सब कुछ फ्रेंड इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों की दिखाने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने काऊ को लिया तो यहाँ पर क्लिक करके आप आगे ले लेंगे। ये कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने फोटोज़ वगैरह का भी बना सकते हो, आप अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे भी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर देखिए नीचे फ्रेम है, यहाँ पर देख सकते हैं येल्लो है, नीचे ब्लू है। ठीक है, अभी मान लीजिए हम नीचे पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये दूसरा फ्रेम हो गया दो। ठीक है, अभी हम क्या करें यहाँ थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ठीक है, और देखिए एक और फ्रेम पे क्लिक करेंगे देखिए फ्रेम तीन हो गया। अभी हम इसको पीछे लेंगे, इसको आगे लेंगे और इसको इधर करेंगे, इसको आगे लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो और आगे ले सकते हो यहाँ पर। फिर फ्रेम को आगे क्लिक कीजिए, फिर इसको आगे लीजिए, फिर इसको यहाँ पर कर दीजिए, इसको आगे लीजिए, इसको यहाँ पर कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए और इसको उठा के और फ्रेंड्स आप अपने इसे लेकर आगे चलिए। ठीक है, पीछे इसका शेडो रहता है कि पिछला कहाँ पर था, फिर वापस क्लिक कीजिए आगे, आप फिर आगे आ जाइए आप, और इसके जो पैर हैं फ्रेंड्स वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और आपको उड़ाना है तो आप यहाँ से ऊपर लेके चले जाइए, ऐसा लगेगा उड़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा प्ले करके भी फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको लेके जा रहे हैं, ये देखिए ये चलिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक प्ले का ऑप्शन है, आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो चलाया था, देखिए तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए बना हुआ है, इसे आप चला सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स कैसे आप अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। तो हम इसे बैक आते हैं, यहाँ पर बैक आ चुके हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर खुद का अपना कार्टून कैरेक्टर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यू कार्टून पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कुछ फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थ्री लाइन पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट आइटम्स ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक न्यू का ऑप्शन है फ्रेंड्स, हमें न्यू बनानी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको दे दे रहा है। यहाँ पर देखिए न्यू बॉन्ड्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मग आपको दिख रहा है कलर का, इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है यानी कि दबा के रखना है, तो एक कैची का आइकॉन बन गया है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी गैलरी यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा
और यहाँ से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए बना के रखा हूँ, यहाँ पर देखिए अपने फ़ोटो को कार्टून में पहले कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि टून ऐप से आप अपनी फ़ोटो को फ्रेंड्स कार्टून में फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने फेस को जो है कार्टून में देखिए कन्वर्ट कर दिया था और बाकी के पार्ट्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो ऐड करके मैंने ले लिया था। बहुत ही आसान होता है ये सब बनाना, आप चाहो तो ले सकते हो। तो अभी फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर देखिए इसको क्रॉप करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, सब मैंने पिक्सआर्ट से किया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो है इससे देखिए ले लिए हैं। अब अपनी फिंगर की मदद से दोनों चीज़ें छोटा भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से मूव की घुमा भी सकते हैं, ठीक है इस तरीके से याद करें। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे जैसे, तो फ्रेंड्स हम इस तरह के बॉन्ड को अच्छे से यहाँ पर हम सेट करेंगे। आप चाहो तो अपनी फिंगर की मदद से इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है परफेक्ट। आप एकदम सेंटर में सेट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर दिया, ये बॉन्ड हमने इसके अंदर बना दिया, ठीक है। अभी फ्रेंड्स क्या करना है आपको, देखिए अगर आपको यहाँ पर लाना तो इसको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके देखिए अटैच का एक ऑप्शन, और इसके ऊपर आपको क्लिक करते ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। हमारा बॉन्ड लग रहा हमें सही से ऐड नहीं हुआ था फ्रेंड, तो वापस हम इसे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, तो ये देखिए बॉन्ड्स हमारा सही से लगा नहीं था, तो इसे हमें सेंटर में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे हम सेंटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप इसे जो है इधर उधर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सीधा, तो हम सीधा ही रखेंगे इसको, ये देखिए। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड्स के दो पॉइंट हो जा रहे हैं नीचे और ऊपर, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हमें फेस वगैरह भी लेना है, तो न्यू बॉन्ड पर हम क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैची के आइकॉन पर क्लिक करके हम बाकी के जो है पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम चलिए यहाँ पर ऐड करेंगे अपने फेस को, ठीक है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स एक दो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद जो है फटाफट करूँगा ताकि आप लोग भी जल्दी से कर सको। इसको देखिए फ्रेंड्स हम छोटा कर देते हैं। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें इसे भी कुछ इस तरीके से करना है। फ्रेंड देखिए ये यहाँ का साइड लेफ्ट होता है, यहाँ का राइट, ठीक है, ये ध्यान देना आपको बॉन्ड्स में। तो आप चलिए हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं और इसे हम करते हैं ओके, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स वो नीचे देखिए आ गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आ गया, इसको अटैच करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे पे क्लिक करें तो नीचे अटैच हो जाएगा, ऊपर पे हमें क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करें, अटैच पर क्लिक करेंगे, देखिए ये फेस है फ्रेंड्स वो यहाँ पर अटैच हो चुका है, ठीक है। थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं और इसे देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, देख लिए फ्रेंड्स आपने, हमने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया। देखिए कार्टून की तरह हमने बड़ा फेस भी डाल दिया। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए वापस हमें न्यू बॉन्ड पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, वापस यहाँ पर जाकर हाथ जो है फ्रेंड्स उसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटर में इसको लेना है, तो आप अच्छे से इसे सेट कर लीजिए, छोटा बड़ा देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको करना है सेंटर में, और इसे ओके कर देना है। पर ऐड हो गया है, तो अभी हमें लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसका बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना, अटैच कर देना क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अभी फ्रेंड्स वापस बीच में ही क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके एक और बॉन्ड हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स अभी हमारी जो बाजू लगने वाली है तो हड्डी रहेगी तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ये वाली भुजा पे, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, अटैच करते हैं, देखिए यहाँ पर ये अटैच हो गया है, ये बहुत बड़ा हो चुका है फ्रेंड्स हमें और इसे छोटा करना चाहिए था लेकिन ये बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो इसे हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे, अटैच पर जाएँगे, एडिट पर जाएँगे और इसे फ्रेंड्स हम जो है छोटा करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप जो है अपने हाथ को छोटा कर सकते हो, ठीक है, ये देखिए इतना हमने छोटा कर दिया और ओके कर दिए, तो यहाँ देखिए ये छोटा हो गया है अभी। तो मैं दिखाने के लिए करूँ फ्रेंड्स, आप इसे और यहाँ पर पीछे जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो है सामने है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके बैक कर देंगे, ये देखिए हाथ हमारा बैक जा चुका है अभी देखिए हम यहाँ से इसे हिला डुला सकते हैं, और एक हाथ हमें और बनाना है, तो वापस क्या करेंगे हम यहाँ से हम अपने हाथ को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम करेंगे कर देंगे हम ज़्यादा नहीं, तो फिर बाद में बहुत बड़ा दिखाई देगा जैसे आप लोगों ने देख रहा था।
तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए और इसे ओके कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पॉइंट है, यहाँ पर तो हम इसे भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अटैच का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए उल्टा हो गया हमसे, ठीक है, ये यहाँ पर उल्टा सेट हो रहा है। तो हमें क्या करना, अभी वापस यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसे हमें मूव कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और इसे हम इस तरीके से मूव करेंगे, ध्यान देना आप, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उल्टा सीधा मत करिएगा आप, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर किया, अभी ओके करते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, लेकिन हम इसे और पीछे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने पीछे लेके इसको ऐड कर दिया। तो अभी क्या हुआ फ्रेंड, देखिए ये यहाँ से हिलने डुलने लगेगा, जैसा आप बोलोगे वैसा ये करने लगेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अभी ये बॉन्ड को भी देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके इसे मास्टर ने इसको इंजिबल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए इन सबको जो है इंजिबल करना मास्टर करेंगे आप, तो भाई सब घूमने लगेगा वो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, देखिए देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपना ये सब घुमा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप अपना खुद का कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। तो चलिए इस तरीके से बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जो है फटाफट पहले ऐड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ, या फिर फ्रेंड्स उसी तरीके से बस आपको ऐड करना जाना है और ये बॉन्ड्स वगैरह जो है ये कार्टून को आप जैसे बाद में बना लेंगे उसी तरीके से आप। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है अपने फेस का कार्टून कैरेक्टर यहाँ पर बना चुके हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दिखाने के लिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दें किस तरह से हमने देखिए एक एक पार्ट करके अपना एक कार्टून एनिमेशन बनाया है। यहाँ से फ्रेंड्स आप सेव कर सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना जो नेम दे के भी सेव किया, यहाँ पर आप अपना नेम दे के सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम बैक आके न्यू कार्टून पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो इंसर्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और यहाँ पर माय पैक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक, जो हमने बनाया था वो नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो हमने बनाया था वो यहीं पे सेव रहेगा। तो हमने जैसे अरविंद नाम से डाला था, यहाँ पर देखिए आ चुका, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डैशबोर्ड पे वो दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी रहने देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से हाथ हिल रहा है, जैसे चाहो फ्रेंड्स आप वैसे यहाँ पर इसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, मैंने जो गाय थी उसको करके दिखा, उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पर लेके जा सकते हो, जिस तरीके से इसको एनिमेट करना चाहते हो फ्रेंड्स उस तरीके से एनिमेट कीजिए। यहाँ पर फ्रेम दिया हुआ है, फ्रेम पर क्लिक करके अलग अलग एनिमेट मूवमेंट करवा सकते हो आप, और बाद में इसको काइनमास्टर वगैरह में जाकर एडिट कर सकते हो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अगर हाथ मोड़ रहे हैं हम, और यहाँ पर साइड में देखिए फ्रेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाले फ्रेम पर क्लिक कर जाइए, एक वहाँ पर मूवमेंट कीजिए, फिर नीचे वाले फ्रेम पर क्लिक कीजिए, फिर हाथ ऊपर कीजिए यहाँ से और नीचे वाले फ्रेम को क्लिक कीजिए। ऐसे फ्रेंड्स एक एक फ्रेम बनता जाएगा और आपका कार्टून कैरेक्टर जो मूवमेंट है वो फ्रेंड्स करता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका था। जैसे हमने काउ को एनिमेट किया, तो वैसे हमने इसको भी एनिमेट कर दिया। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ से प्ले करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने हाथ का मूवमेंट किया था, वैसे वैसे एक जो है कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा था। इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना खुद का कैरेक्टर्स बना सकते हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर आपको जो यूट्यूब पर वीडियो पर अच्छी लगे वैसे कैरेक्टर आप बनाकर यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हो। तो फ्रेंड्स